मेलघाट की राजधानी धारनी में हर शुक्रवार को विशाल बाजार भरा करता है, लेकिन शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा होने से यह बाजार स्थगित किया गया था। विदर्भ न्यूज द्वारा व्यापारियों से, धारनी के नागरिकों से एवं नगर पंचायत के मुख्याधिकारी पिदुरकर से बातचीत की गई। बाजार को लेकर आइए देखते हैं क्या कहते हैं धारनीवासी। धारनी का जो बाजार है वो बंद रखा गया है, और हम बात करते हैं धारनी के मुख्य अधिकारी पिदुरकर साहब से। सर, ये जो बाजार आपने जो बंद रखा है धारनी शहर का, इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य है आपका, यानी इसलिए बंद रखा है? हर शुक्रवार को जो बाजार बढ़ता है उसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग आते हैं, और अपना ये जो मेन मार्केट पे जो दुकान लगते हैं आठवड़ी बाजार की, वो सिर्फ केवल बंद कर दिए सुरक्षा कारणास्तव। माननीय गृहमंत्री जी अमित जी शाह, ये आज इनकी सभा है धारनी में, इस उनके सुरक्षा कारणास्तव जो मेन रोड पे जो दुकान लगती है वो बंद रखी है, जो गुजरी बाजार है वो चालू है। हम जुड़े हैं यहाँ के कुछ और अन्य व्यवसायिकों से, आइए हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आपका क्या कहना है कि आज का जो बाजार बंद है इससे क्या लोगों को परेशानी होगी, आपको परेशानी होगी, आपके व्यापार पे कोई फर्क पड़ेगा? इससे बहुत परेशानी है, आसपास के बाज़ारों के हिसाब से धारनी एक जो बाज़ार है इससे गरीबों के लिए इतनी परेशानी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या दिवाली का जो त्यौहार है मुँह पर आया हुआ है, उसकी वजह से अनाज वगैरह जो कट रहा है लोगों का, वो भी उसमें बेचने में भी तकलीफ़ जा रही है। और बाज़ार जो है हमारे यहाँ का आठवाड़ी बाज़ार जो माना जाता है धारनी का, ये बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ के आसपास के लोग आते हैं यहाँ पर। बाकी ये सभा की वजह से पूरे बाज़ार के अलावा गरीबों की भी जो है परेशानी बहुत बिगड़ है यहाँ पर। ये थे हमारे जावेद सौदागर, जो एक धारनी के बड़े व्यवसायिक माने जाते हैं। इनका भी यही कहना है कि धारनी के अंदर लोगों को भी परेशानी होंगी और हमारे किसानों को भी परेशानी होंगी। हम और जानते हैं, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखो भाई, हम तो फल फ्रूट वाले, हमारा हफ्ते भरे का जो दालों मदार है तो आज बाजार की वजह से होता है सब, हमारा कच्चा वान है, आज सब फेंकना पड़ेगा हमारे। ये सभा से फ़ायदा तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो रहा है। यानी आपका भी ये कहना है कि आज जो सभा हो रही है उसकी वजह से जो बाज़ार बंद है, आपकी दुकान आपको रास्ते पर लगाने नहीं मिल रही, इसका आपका नुकसान हो रहा है? नुकसान हुआ से बहुत नुकसान हुआ, सब्जी वाले और फल फ्रूट वालों का इसमें सब में ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज के नुकसान को मद्देनज़र क्या आपके मतदान के ऊपर, जब आप मतदान करने जाओगे तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे क्या? रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, ये पार्टी को विरोध करेंगे हम, ये पार्टी का जिससे हमारा नुकसान हुआ। तो इसके ऊपर आपको क्या बोलना है कि नगर पंचायत ने आठौड़ी बाज़ार बंद रखा है तो इससे लोगों को और व्यवसायी को क्या परेशानी होंगी, क्या दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा? ऐसा तो हमको पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि नगर पंचायत का एक नया फरमान हमारे सामने आया है, और आज जो फरमान कल जो फरमान जारी किया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज व्यापार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आपको ऐसा लगता है क्या कि किसी राजकीय पक्ष ने अपने खुद के एक सुरक्षा के तौर पे या किसी और कारण की वजह से आम जनता को तकलीफ या आम जनता का आर्थिक नुकसान करना चाहिए? कितने परसेंट आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सरकार तो जनता के हित के लिए होती है, लेकिन इस प्रकार का जो फरमान है वो मुझे नहीं लगता कि हमारे या व्यापारी या अथवा जनता के हित के लिए हो। विदर्भ न्यूज़ के लिए जुगल किशोर जायसवाल, शकील अहमद एवं तस्मीन शेख की ये रिपोर्ट।